हाँ हे म्यूंग तेयंग को वही कैफे वाली पार्ट टाइम में लड़की के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने उसे पागल कर दिया है। अरे वही जिसके बारे में वो तेयंग को उस दिन बता रहा था। भैया लगता है अब जल्द ही मुझे भी पहली गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। तेयंग बोलता है तुम उसके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पाते, वो तुम्हारा इम्तिहान लेती है, तुम उसकी नजर में अच्छे बनना चाहते हो और उसने तुम्हें पागल कर दिया। हेमिंग बोलता है भैया क्या ये प्यार है। तेयंग बोलता है आप अपने प्रोफेसर के बारे में भी सोचना बंद नहीं कर पाते, वो भी आपका इम्तिहान लेते हैं, आप उनकी नजर में भी अच्छे बनना चाहते हो और आपकी ग्रेड्स की वजह से वो भी आपको पागल कर देते हैं और तो और वो असाइनमेंट भी देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो किसी के ऊपर क्रश होना कोई क्लास करने से कम दर्दनाक होता है। व्हाट अ लॉजिक, क्या लॉजिक फेंक कर मारा है कसम से, मजा आ गया। मजा आया। पढ़ने वाले बच्चों, बाबा पपलू महाराज की ओर से आप लोगों के लिए शुद्ध एवं ताजा ताजा ज्ञान। अब से कोई भी क्लास मत करना, बस किसी ना किसी को अपना क्रश बनाते रहना। जय पपलू महाराज। जोक्स अपार्ट, हम एपिसोड पर आते हैं। तेयंग बोलता है मैंने लास्ट टाइम सुना था कि तुम्हारे मालिक ने कहा था कि अगर तुम्हारी वजह से अब और किसी ने भी अपनी जॉब छोड़ी तो वह तुम्हें काम से निकाल देंगे, इसीलिए इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दो और पढ़ाई कर लो थोड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।